आइए साहब, सलीम भाई सर इधर इधर सर भैया, कागज बाद में देना या पहले की देना। मेरे साहब सामने आ जाओ, मस्जिद में दावत इफ्तार रमजान का तोहफा, इस्लामी कल्चरल कन्वेंशन सेंटर का तैयार। इन तमाम चीजों के अलावा दरगाह जामिया पीरा की तरक्की के लिए फंड की फराहमी, अजमेर शरीफ में रुबात की तामीर और बाबा सैफुद्दीन की बाड़ी पर सड़क की तामीर, कोई मौला अली पर सड़क की तामीर, अकलियतों को रोजगार से मजबूत, जिसमें 60% सब्सिडी हिम्मत की तरफ से दी गई। साबिका में 500 टारगेट रखा गया था, 342 कार रख किए जा रहे हैं। भाई ओके, ड्राइवर का मोनर की स्कीम है जिसके अंदर गरीब ड्राइवर हुकूमत की तरफ से 60% सब्सिडी की माली इमदाद करते हुए कार दी जा रही है, जिससे वो अपना खुद रोजगार में हासिल कर सके। बहुत मुतफ़ी हो सकते आज हमारे शोर साहब यहाँ के, हमारे कम्युनिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद है, हमारे जाफर साहब, हमारे अकबर साहब हैं और दिगर चेयरमैन भी यहाँ मौजूद है। तो ये स्कीम से बहुत से लोगों को इस्तेफादा करने का मौका मिल रहा है। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद मैं समझता हूँ खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए जो हमारे आने वाले साहब ने वेलफेयर स्कीम लाए हैं, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। कायम किए गए आज 50,000 से ज़्यादा बच्चे से स्कूल में तालीम हासिल करें। सीएम साहब का एक ही मकसद है कि बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे, ये सरकारी मुलाजमतों में आ सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं। और आज हमारी हुकूमत में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में पहली हुकूमत है जहाँ पर IAS और IPS के लिए भी 100-100 मुस्लिम बच्चों को अला तालीम के मौके अता किए जा रहे हैं। मैं हमारे आनेबल सीएम का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे खासतौर से हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर बकुल्ला ईश्वर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ईश्वर साहब थोड़ा सा